अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। मैं सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तू स्टार्ट कर ले पहले यार। अच्छा, कह रहा पिछले ब्लॉग के लास्ट में मैंने आपको बताया था ये अगला टायर पंचर हो गया था, वो मैं मिनट ही पुरानी ट्यूब और ये न्यू ट्यूब का शॉपर और ट्यूब डलवा ली। ओके, इसमें काफ़ी ज़्यादा पंचर हो गए थे, तीन चार पाँच छः हो गए थे इकट्ठे। इससे ट्यूब डलवाना ज़रूरी था। आज करना कुछ ये है, आपने कई लोगों को देखा होगा वो मरगाड़ को ना, ये तो मरगाड़ होता है, बैक मरगाड़, इसको वो नट ऊपर रख के हाइट इंक्रीज करते होते हैं, तो वो आज मैंने भी करना है, लेकिन एक परफेक्ट बोल्ट 00 बोल्ट टू बोल्ट फिटिंग के साथ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे। जब ये सीट खोलता हूँ, सीट मैंने खोली क्योंकि सारा जुगाड़ मैंने लगा लिया हुआ है। ये रही सीट। अच्छा यार, यहाँ पे लगा होता है एक रजिस्टर, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि रजिस्टर किधर गया। ओहो यार, ब्लॉग बनाना कितना मुश्किल रहा है। ये रहा रजिस्टर, इसको यहाँ पे लगाया है पत्री के साथ इधर। अगर ये आपको अच्छे से नज़र आए तो यहाँ पे एक बोल्ट होता है फ्रेम में, तो उसके साथ पत्री लगा के उस पर इसको फिट कर दिया। और ये रही वायरिंग, और वायरिंग बिल्कुल सही फिटिंग है। और क्योंकि ये मैंने पहले भी एक दफ़ा मरगाड़ ऊपर किया था, तो ये जो टांके होते हैं ना, तो ये यहाँ पर लगा होता है। जब मरगाड़ ऊपर होता है तो सीट के साथ वो टच होता है, तो सीट के साथ टच होकर ये टांके ये टूट गए थे। और इसको लगाना भी, कुछ लोग क्या करते हैं इसको उतार देते हैं, बिल्कुल ही उतार देते हैं। इसको लगाना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ना लगाओ तो बैटरी चार्ज नहीं होती, ये वाली बैटरी। अच्छा, अभी करना ही है कि सीट को मरगाड़ करना है ऊपर, लेकिन ये जो पत्री है ना, ये भी इसमें रुकावट बनती है। इसको मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या है, ये क्या इसको करें कि मरगाड़ ऊपर हो जाए अच्छी तरह, और कोई फिटिंग का मसला भी नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये रही एक, ओहो कैमरा ऐसे रोटेट करते हैं ना, ये रही एक आयरन कटर वाली सॉ। इसके साथ एक कट लगाएंगे इस नुक्कर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, और दूसरा उस नुक्कर पे, और वो थोड़ी चोट वगैरह लगा के उसको थोड़ा टेढ़ा कर देंगे ताकि सीट अच्छी तरह फिट हो जाए। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। अगले कैमरामैन मेरी तरफ आप नीचे कर, ये एक कट पास कर कैमरा, एक कट लगाना यहाँ पे इस तरह, दूसरा कट इस तरह, और इनको फिर मोड़ देना अंदर को, इसको भी तो अभी कर। अच्छा खैर, कट ये इधर भी लग गया, और जो मेन चीज़ है वो तो मैंने बताई नहीं कि ये जो नट होते हैं ना, ये नट, ये इनको खोल के ये फ्रेम के ऊपर रखना होता है। अभी पहले मैं इनको ज़रा कर लूँ रोटेट, फिर वो नट ये ऊपर रख के फिट करके दिखाता हूँ कि किस तरह की लुक है। एक मिनट, मैंने आपको इस तरह लुक दिखाई नहीं, किस तरह की लुक आती है इस तरह और उस तरह, क्या फ़र्क है। मैं अभी काम करता हूँ, सीट रखता हूँ इसके ऊपर और आपको लुक देख। अभी ये लुक है इस तरह की, इसमें होगा दो तीन उंगलियों का गैप, और ऊपर, और इसको ऊपर करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा गैप बढ़ जाता है और एक अच्छी लुक बन जाती है। कैमरामैन अभी आप नीचे कर, अभी हम इसको किधर गया प्लास चोट लगा कर टेढ़ा करेंगे। ये दो साइड है तो
कर लिए हैं थोड़ी सी नीचे को। अब जो रियल मुश्किल काम है वो है ये पीछे वाली को नीचे करना। हमारे पास हथौड़ी नहीं है इसलिए हमें इस तरह की चीज़ों से काम चलाना पड़ रहा है। चलो खैर काम ही चलाना है, जैसे मुझे चला। अच्छा खैर जो मरगाड़ ऊपर करने का मेन काम था वो ये था, ये नट लगे होते हैं यहाँ पे, तो इनको हमने उतार के ऊपर इनके ऊपर करके मरगाड़ में इस तरह दोनों तरफ से लगा दिया। तो इस तरह अब मरगाड़ की हाइट पहले कितनी थी, 3 उंगलियाँ, अब पूरे हाथ से भी ज़्यादा है। तो अभी मैं सीट फिट करके आप दिखाता हूँ कि किस तरह की लुक आ। अब ये देखें ज़रा पहले ये ना, ओहो ये जो पतरियाँ होती थी ये वो पतरी लगी होती थी ना तो ऊपर रहती थी, ये नीचे लगाना इसको बहुत मुश्किल था। अभी आराम से इधर से भी पूरे गया और ओहो इधर से भी बोल्ट टू बोल्ट जनरल फिटिंग आएगी, 00 फिटिंग। अच्छा अभी सीट को मैंने तो कर लिया फिट, ये जो कैरियर है ना इसको भी मैं थोड़े दिनों बाद उतार दूंगा जब मैं वो ले लूँगा जो यहाँ पे इतना सा होता है पकड़ने के लिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कैरियर बताते हैं वो फिर सीट से पकड़ के बाइक डबल स्टार्ट लगाते हैं तो सीट बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। अरे सीट सब कुछ फिट हो चुका है, अभी मैं आपको क्या उसको कहते होते हैं फाइनल लुक दिखाता हूँ। अभी बहुत ही जालिम लुक आ रही है, लेकिन जब मैं स्टैंड कैरियर या स्टैंड जो भी इसको कहते हैं इसको उतारूंगा तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड नहीं कर रहा, आज सारे छोटे मोटे जो काम है सारे वो ख़त्म करने हैं साइड पे ना। और अभी ये जो फालतू लाइट लगी हुई है ना इनको भी उतारना है और अगले वाली नंबर प्लेट पे भी पिछली की तरह स्टिकर लगवाना है ब्लैक कलर का। आज संडे का दिन है तो मैंने कहा सारे छोटे मोटे काम आज ही कराएंगा, फिर रोज़ ही मेरा तो रोज़ ही संडे होता है, लेकिन आज कैलेंडर का संडे है। हाँ अच्छा अभी इसके साथ एक थंबनेल के लिए फ़ोटो लेंगे और फिर इसका काम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अभी ये वाली लाइट उतारने के लिए इसकी वायरिंग खोलनी पड़ेगी जो हेडलाइट के अंदर है, पहले हेडलाइट को खोलना पड़ेगा। इस काम को मुझे अभी बीच में रोकना पड़ा है क्योंकि घर वालों की तरफ से ऑर्डर आए हैं कि कोई ज़रा काम शाम जाना है, तो अभी उनको ले जाना पड़ना है, फिर मैं आके ये जो ये काम है इसको भी कम्प्लीट करूँगा यार। अभी घर वालों का काम भी ज़रूरी है ना यार। अभी घर वालों को जो मेरे काम था ना वो उधर डॉक्टर के पास काम था तो मैंने उधर उनको छोड़ दिया डॉक्टर के पास, उतनी देर मैंने सोचा कि मैं नंबर प्लेट मैं बनवाऊँ क्योंकि ये उसी साइड पे ही है, तो अभी चलता हूँ। और ये लाइटें उतारनी है और इस नंबर प्लेट को सेम इसकी जैसा स्टिकर लगवाना है, तो अभी चलता हूँ। हाँ यही है। ये रही नंबर प्लेट, ये भी वो ब्लैक में स्टिकर लगवा लूँ और लग जाएगा वो मैट, ग्लोसी ब्लैक नहीं है। नंबर प्लेट वगैरह बन गई है, अब इसको घर जाके आपको। अच्छा नंबर प्लेट लेके और घर वालों का काम था वो करके मैं भी घर आ गया हूँ और ये रही नंबर प्लेट, निकल जा बाहर। अच्छा वो कितनी गर्म है, ये रही नंबर प्लेट और उसमें मोनोग्राम है। अच्छा खैर अभी ये नंबर प्लेट और मोनोग्राम लगाते हैं फिर आपको लुक चेक कराते हैं। आज यार बड़ी गर्मी है, बड़ा थक गया हूँ, पर कोई नहीं काम तो काम होता है और यही हमारा काम है।
अच्छा गया, नंबर प्लेट भी मैंने लगा ली है, इस तरह की लुक आ रही है, अच्छी लग रही है। पहले वो ये वाली जो लाइटें थी इनके साथ वो कार्टून बाइक लगती थी जो बच्चों की खेलने वाली गाड़ियाँ थी छोटी छोटी, उनमें इस तरह की लाइट लगी होती है। खैर अगले ब्लॉग में मैं करूँगा कुछ ये ये वाला मैं स्टैंड उतारना है, स्टैंड या कैरियर जो भी इसको कहते हैं, इसकी जगह यहाँ पे लगते हैं वो नकल्स या कुंडे जो भी नहीं कहते हैं वो लगा लूँगा कुंडे। और इस ब्लॉग में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ओके।